माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, अगर वो आपका प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या आपका वो कम्प्लीटली ओपन ही नहीं हो रहा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब मैं आपको एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ SFC /scan now, आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इस कमांड से होता क्या है कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है, मैंने किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, जरूरी नहीं है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो वो उस प्रॉब्लम को यहाँ पे इस कमांड की हेल्प से यहाँ पे फाइंड किया जाता है और फाइंड करने के बाद उसे रिपेयर किया जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे टाइप किया हूँ, टाइप करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे स्कैनिंग हो रहा है, मेरा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे स्कैन किया जा रहा है, और स्कैनिंग करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 1% 2% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और ये वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे रिपेयर होने लगेगा, या आपका कोई फाइल वगैरह का करप्ट हो गया होगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है कि फाइल करप्शन के कारण ही ये प्रॉब्लम होता है, तो वो यहाँ पे फाइल को यहाँ पे रिपेयर भी करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन, जैसे मैं आपको बता दूँ ये वेरिफिकेशन आपका 100% तक ये वेरिफिकेशन होगा, और यहां पे मेरा अभी फिलहाल 5% वेरिफिकेशन हुआ है, तो आपको इस वेरिफिकेशन को 100% तक यहां पे कंप्लीट कर लेना है, और कंप्लीट कर लेने के बाद फिर आपको यहां पे नीचे की ओर आपको यहां पे सक्सेसफुल का आपको यहां पे एक मैसेज शो होगा, और मैसेज शो होने के बाद फिर आपको यहां पे इसे कट कर लेना है। जैसे मैं यहां पे इसे कट कर देता हूं क्योंकि मुझे आगे और भी आपको स्टेप्स बताने हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू जाना है और आपको यहां पे टाइप करके सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, और आपको यहां पे राइट क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक किया हूँ, और आपको यहाँ पे ऐप सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऐप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, रिपेयर का और रीसेट का। अगर आपके यहाँ पे फर्स्ट स्टेप से अगर आपके यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे इस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को आप यहाँ पे रिपेयर करके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रिपेयर करता हूँ, रिपेयर होने के बाद फिर आपको एक बार अपने सिस्टम को क्या करना है, एक बार रीस्टार्ट भी करना है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो अब यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वर्क तब भी नहीं करता है, तो अब आपको यहाँ पे रीसेट कर लेना है, मैंने अगेन आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे आना है, मैंने स्टोर के मैंने ऐप सेटिंग्स में आना है, और आपको यहाँ पे इसे फाइनली आपके यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे रीसेट कर लेना है। और रीसेट करने के बाद भी आपको यहाँ पे एक बार अपने सिस्टम पे एक बार रीस्टार्ट करना है। हो सकता है आपको इरिटेट लगे बार बार सिस्टम को रीस्टार्ट करने में, जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टार्ट करना यहाँ पे कॉमन है, आपको जरूरी है। आप यहाँ पे रीस्टार्ट जब तक नहीं करोगे तब तक वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो ओपन हो रहा है कि नहीं, या वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अब एक नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है। अब आपको यहाँ पे अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल, और आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन देखोगे यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है, और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना होगा, अगर आपका वो प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब आपको यहाँ पे फाइनली अपने सिस्टम को रीस्टोर करना होगा। और ज़्यादातर लोगों को रीस्टोर के बारे में मालूम नहीं होता है, जिन लोगों को मालूम नहीं है तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो, तो रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो आपको 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, मतलब पास्ट में चला जाएगा। मैंने आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो रीस्टोर करने के दौरान, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो उतना ही दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका सिस्टम यस्टरडे को या यस्टरडे से पहले अगर आपका सिस्टम शिफ्ट हो जाता है, तो यस्टरडे से पहले आपका सिस्टम जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम यस्टरडे या यस्टरडे से पहले अगर वो प्रॉब्लम नहीं था, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। आपको इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये एक सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है, हो सकता है आपको भी यहाँ पे एक सिंगल डेट शो हो, या आपको 3, 4, 5, 6 और भी आपको यहाँ पे डेट शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको यहाँ पे जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है, तो आपको उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये एक सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसी डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे लोकल डिक्सी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि रिस्टोर करने से पहले कि आप आपके सी ड्राइव में किसी भी तरह कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है या कोई भी आप फाइल वगैरह सेव किए अपने सी ड्राइव में या आप अपने डॉक्यूमेंट वाले फाइल में या आप अपने डाउनलोड वाले फाइल में या आपके डेस्कटॉप में भी, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उस डेटा को, उस फाइल को आप कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल डी ड्राइव या ई ड्राइव या एफ ड्राइव भी है तो आप अनदर कोई भी ड्राइव में आप वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सी ड्राइव है वही आपके यहाँ पर रिस्टोर होगा। हो सकता है रिस्टोर होने के दौरान आपका जो सी ड्राइव में जो भी डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा, जो क्रूशियल डेटा है आपका, वो डेटा आपका रिमूव हो जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस डेटा को अनदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए। अब शिफ्ट करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इस सी ड्राइव को आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे फाइनली आपको इसे फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो आपका रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है रिस्टोर होने में कितने कितने लोगों का क्या होता है कि 10 मिनट का भी ओनली टाइम लगता है, कितने लोगों को 30 मिनट, कितने लोगों को 1 आवर का भी टाइम लगता है। ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके सिस्टम के डेटा पर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको सिस्टम को अपना मैंने क्या करना है, रिस्टोर कर लेना है, और रिस्टोर करने के बाद जो आपको वो जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाता है। अगर बाय द वे तब भी आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है अपने सिस्टम को रिस्टोर करने के दौरान, तो आपको यहाँ पे फाइनली क्या करना होगा, अपने सिस्टम को रीसेट करना होगा। और रीसेट कैसे करना है मैं आपको वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो लास्ट स्टेप है, आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है रीसेट, और आपको यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।